Hey guys, good morning. Welcome back. Welcome to our YouTube channel. Welcome back. Welcome back to my new blog. मेरा new brush का है. Brush? अपनी bullet चलाओगे? अपनी bullet चलाओगे? भूल गए ना? अच्छा sorry. मैं आपकी brush कर रहा हूँ भाई. पूरा घंटा कर दूँगा. क्या कर? ये कौन है? ये छोटा ब्लॉगर है पापा। हाँ। चलो ब्रश कर, चलो लेट जाओ, चलो सुबह थोड़ा चाय लाओ यार, चाय। ये कौन खाया भाई? भैया खाया है। थैंक यू। लेकिन यार ये बताओ सुभांश, आप ये सुगन के नाप ही खाए हो ना? हाँ? यहाँ क्या आ गई? सुकू वाले शो देखो, 8 में आ गई। 8 में कहाँ है ये भी? देखो। अरे छोट कहाँ आई हुई, 7:30 हो रहा है, ध्यान से देखो। 7:25 हो रहा है अभी। हाँ क्या बोले थे अभी, क्या कर सकते? अब तो हम बड़े हो गए, अब तो हम खुद से कपड़े पहन सकते। अच्छा खुद से तैयार हो सकते? हाँ। अच्छा जाओ तैयार हो। हमें सिर्फ अंडरवियर की कमी है। कमी है? 6 अंडरवेयर है आपका? 6 अंडरवेयर है? 6? हाँ तो हम मिलते नहीं है ना? मिलता नहीं तो पहन के फेंकते आप ही हो ना, कोई और फेंकता है? जब मम्मा से पूछो, मम्मा से पूछो, इसमें शौक से पूरा शौक से? इसमें शौक से बेटा जब मम्मा। हाँ सैटरडे को हम जंक फूड लेके जाएंगे। अच्छा अब हाँ, जंक। अच्छा है जब आपने आपने जो कल बोला था कि लोग वीडियो देख लेते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते हैं, पता है आपके व्यूअर्स बुरा मान जाएंगे, ऐसा नहीं बोला? तो बोल रहा हूँ ना सब्सक्राइब करें, पापा मेरा नहीं लाएंगे। तो आप अच्छा वीडियो बनाओ तो सब्सक्राइब तो करेंगे ना। आप हमारा वीडियो कहाँ बना रहे, अपना ब्लॉग बना रहे हो? तो आप हमारे ब्लॉग में आप नहीं आते हो क्या? पापा आते नहीं, हमारा व्यूज नहीं बढ़ना, हमारे शो का आपके 1 मिलियन होंगे। थर्टी थाउजेंड का है ये। मम्मा का 17,000 का है। स्वेटर क्यों नहीं पहन रहे हो? पहनो, आप तो बोल रहे खुद ही तैयार हो जाएंगे। तैयार हो, पैंट पहनो। मम्मा ये कौन लगाएगा? वो छोड़ो, पैंट पहनो ना, आपको आता है ना, पैंट पहनो। हाँ अभी बड़ी बड़ी बात कर रहे ना, आपके पापा बड़े हो गए, खुद पहन सकते हैं। एकदम कमर तक पहनता है। पहनो भैया, भैया यहाँ तक पहनता है। हाँ। है ना? अच्छा, और ये बताओ ग्रेप्स को खाने की तरह खा रहे हो क्या? क्या खाना खाते हैं? क्या ग्रेप्स को ग्रेप्स कड़ी लेकर आए और आज आधा से ज्यादा हो गया। क्या खत्म? क्या क्या? हाँ हाँ, मैं तो एक ही सुबह ही खाया था ग्रेप्स। हाँ मेरे दोपहर को भी खाया था, दोपहर को भी। देखो भैया यहाँ पर पहनते हैं पैंट, देखो एक भैया क्या बोल रहे हैं, सुनो क्या बोल रहे हो। तो मुझे रोक नहीं सकता पेंट ऊपर करने के लिए। देखो पुष्पा मैं चुके गणेशाला दे पापा, देखो भैया यहाँ तक पेंट करता है, यहाँ तक और मैं इधर देखो यहाँ तक। हाँ वेरी गुड वेरी गुड। मेरा पेटू नहीं दिखेगा ना भैया को, तो दिखे मैं झुक कर इशाला। अच्छा एक वीडियो बनाएंगे गंगा में जाके। हाँ कि ना वो एक आदमी है और बाकी सारे लोग को जा रहे हैं, एक ड्राइवर नशे चढ़ा था, मैं झुक कर इशाला, फिर वो उस पुल के ऊपर चढ़ गया, फिर दूसरी तरफ से जब नाव आए उसके ऊपर ही कूद गया। अच्छा इधर इधर पहले दिखाओ, छोड़ दिखाओ अपना, छोड़ दिखाओ, देखो देखो ऐसे ऐसे रखो, ऐसे पास ऐसे सीधे रखो ना यार। पापा लाओ मत, ठीक तो हो गया एकदम, पता नहीं चल रहा है। दिखा दिखा जरा दिखा। अच्छा पुष्पा, पुष्पा का जोश चढ़ा हुआ है। पापा जी पता है एक आदमी के गले सल्ला
उठा दूध पी लिए हो? हाँ, पुष्पा पुष्पा और दूध पी लिया साला। देखो कितने सारे बिखरे हुए बिखरे में तो कचरा भैया बनाया, ये पापा बनाया थे रात में। आज तक टेबल भी लेकर आ गया है। हाँ। तो पापा रखे थे वहाँ पे। चलो हमारा है अब ये टेबल। हाँ। आपको नहीं मेरा ले लो टेबल। हैं? अब मेरा टेबल ले लो। नहीं आपका टेबल क्या करूंगा, इतना मेरा टेबल ले लो। नहीं नहीं पापा का लैपटॉप टेबल है, टच नहीं करना उसको बिल्कुल भी। वहां कोने में रखे हैं पापा, देख लो भैया ड्राइंग। सुन रहे हो ना? ए उस टेबल को टच नहीं करना जो रखे हैं वहां पे। पापा जी राज में टच करेगा नहीं साला। उस पर राज में टच करेगा साला, उसमें ड्राइंग बनाएगा साला। तो पुष्पा राज को थप्पड़ मारेगा उसका पापा साला। हर चीज सिखाना ही पड़ता है क्या? कितने बार आपको पहनाते हैं आपको देख के नहीं समझना चाहिए, सीखना चाहिए। बहुत सारी चीजें होती है जो देख के सीखी जाती है, सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती है। कॉमन सेंस यूज करके आदमी सीखता है उसको। लेकिन जब कुछ लेकिन उकिन नहीं, कोई लेकिन उकिन नहीं, आप लोग करना नहीं चाहते हो क्या? बेटा ऐसे पॉलिश लेके आ जा रहा है इसका। पॉलिश? शू पॉलिश। सिखाया नहीं। अब भैया किसने सिखाया है? चलो बाय। आपका दिन नहीं जाता है जा। तो स्कूल के पीछे वाले पार्क के ना वहां पर हम बहुत घंटा हो गए। अच्छा चलो ठीक है बाय। ये कौन सा लेस है पापा? हैं? ये कौन सा लेस? वो तो नीचे कर लो यार पैंट। क्या है? मार्ते वाला मैं 6 तारीख को वेजिटेबल में मार्ते हूं मैं। तो हमारी बदमाश कंपनी के लिए हमेशा मांगते रहते हैं पिज़्ज़ा है। सही बात है ब्रो, बैठ लेके आप लोग इसमें ये भर रहे हैं। गरम गरम रहेगा गरम। तो फ्रिज फ्रिज का सिस्टम है कि एक हफ्ते में एक बार साफ सफाई डिफ्रोस्ट करो। ध्यान रखो इसको, उसको भी डिस्पेंस करते हैं, डिस्पेंस करना करते हैं, करना चाहिए ना। अब तो आज फ्रिज की कूलिंग एकदम बंद हो गई थी। रीजन जो आया था कल मेंटेनेंस वाला जो कंपनी से आदमी आया था उसने बताया था कि पूरा इसके जो पैनल में पीछे जो अंदर होता है यहाँ पे, ये आपने देखा अंदर की तरफ पूरा इसमें आइस जमा हुआ था। सही कह रहे हैं कि हफ्ता या 15 दिन में डिफ्रोस्ट करना चाहिए। उसके मैनुअल में साफ साफ लिखा है जब आप किसी चीज़ को मेंटेन नहीं रखोगे तो वो भी तो अपना को जवाब देगा। फर्स्ट में चीकू है, बच्चों को बिल्कुल पसंद नहीं है। ओनली ब्लैक ग्रेप्स खाते हैं बस। अभी देखिए कल ही लेके आया था मैं, पापा 1 किलो लेके आए थे और 2 किलो मैं लेके आया था, खत्म। 1 किलो मसल से बचा है। पेन एकदम ख़त्म हो गया है। अभी डिसाइड किया कि फर्स्ट 1 मंथ ज़्यादा हैवी वर्कआउट नहीं करना है। हैवी क्या, वैसे भी हैवी करना ही नहीं मेरे को ओनली जो सेप्स लेके आना है इसमें बस। तो उसके लिए पहले कार्डियो से स्टार्टिंग होता है, वो ज़रूरी है हमारे लिए, तो पहले वो ज़रूरी है भाई। मैडम हमारी हमसे गुस्सा है, जा रहे हैं हम बनाने ग्रेप्स लेके। इनका गहना 1 करोड़ का था जो मैंने चुरा लिया था 2-3 दिन पहले, इसीलिए मैडम नाराज है। अब वापस कर दिया हमने गहना। 1 करोड़ का नहीं था। हैं? वो बोल रही है 1 करोड़ का नहीं था, ज़्यादा का था। तो वो दे दिया था मैंने बाहर वाली को, तो बाहर वाली से ले लिया हूँ और ला के घर वाली को दे दिया हूँ।
तो अब घर वाली नाराज़ नहीं है, इनको वापस मिल गया है, अब नाराज नहीं है, इसी खुशी में मिठाई नहीं ग्रेप्स खिला दिया जाए इनको। नहीं यार, ये ग्रेप्स हमने बाहर वाले के लिए रखा था, तो लेकिन बाहर वाले को नहीं मिलेगा, अब घर वाले को मिलेगा। अभी देखिए, तो उस गहने को कहाँ रखोगे रीना? अब तिजोरी बना दिया, सुन रहा, ठीक। हमारे घर की लीला ही अलग है, रामायण भी है, महाभारत भी है। तो गाइस आए हैं विशाल मेगा मार्ट, हमारे जस्ट बगल में। तो बच्चों के लिए दो ब्रश लिया है, ब्रशेस तो बहुत हैं, ब्रशेस देख के आदमी कंफ्यूज हो जाता है कौन सा लेना है कौन सा नहीं। फिलहाल पसंद ये किया है, यही बच्चों को ज़्यादा पसंद है। तो गाइस आज फिर जाने में लेट हो गया, और नॉर्मली मैं डिनर करता नहीं हूँ, बट आज फिर करना पड़ रहा है, तो आज अंडा करी है, तो आज अंडे का मज़ा लिया जाएगा। चलो डेली लेट हो जा रहा है, पता नहीं क्या बताएं, कोशिश रहती है कि जल्दी निकल जाए, लेकिन निकल जा भैया। थोड़ा शेड्यूल ऐसा हो जाता है, निकलेंगे घर के लिए। फ्रिज में रख के गया था कल जो लाया था मैं सॉफ्ट ड्रिंक, आज मिल नहीं रहा, कुछ भी नहीं मिल रहा। मैडम क्या खाओगे तुम? रखी क्या, क्या हो गया उसको? चोट लगी है इसको। कहाँ से लगी है? स्कूल में लगी है। कैसे? मुझे खेलने वाला नहीं है पार्क। एकदम अच्छा मूड था, सुभांश को चोट लगा देख, झूले में झूल रहा था, गिर गया। दोनों बच्चों का दिन एकदम, दिन क्या, ये शुरुआती साल एकदम खराब है। एक को यहाँ लग गया, आपने देखा ही अभी, एक को पीछे लग गया, चोट लगती रहती है कहीं ना कहीं। तो वही रात के 12:30 बज चुके हैं, न्यूज़ देख रहा था एग्जिट पोल का, यूपी में फिर सरकार आ रही है बीजेपी की, मुबारक हो बीजेपी। तो प्लीज़ ब्लॉग को एंड करेंगे, लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सपोर्ट अपना देते रहिएगा। थैंक यू सो मच, गुड नाइट, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।